जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक वो करने जा रहे हैं ढोलक। आवाज ठीक आ रही है या नहीं? सर आपको कोड़ी चुन्ना आदि का काम चल जा रहा है ना। जी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। ठीक हो गए। ये माइक अपना बंद कर दें, किसी की आवाज आ रही है तो डिस्टरबेंस होती है। जी हम कैरी ऑन करते हैं अपने सबक की तरफ। नेक्स्ट जो है लेक्चर हमारा, इंशाल्लाह हमने इस हफ्ते तक जो क्लियर कर देना है तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। कोशिश करनी है कि जो मुगल है उनका भी हम एक आध जो है ना लेक्चर में आधा को खत्म कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। तुगलक डायनेस्टी है, ये शुरू हुई थी 1320 से लेकर 1414 तक। इसका जो पहला फाउंडर था उसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक। जैसा कि मैंने लास्ट अपने लेक्चर में बताया था कि खुसरो मुल्क को कत्ल किया था जिसने खिलजी डायनेस्टी को तबाह किया था और खुद हुक्मरान बन बैठा था खुसरो मुल्क, उसको खत्म किया था दीपालपुर के गवर्नर गियासुद्दीन तुगलक ने। तो उससे पहले हम थोड़ी सी तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में पढ़ते हैं, उसके खानदान के बारे में कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे। खानदान तुगलक के मुतालिक मुख्तलिफ आरा हैं। जो फरिश्ता है, जो तारीखे फरिश्ता का मुसन्नफ है, वो कहता है कि ये बलबन इसका जो बाप था तुगलक का, गयासुद्दीन तुगलक का बाप, वो एक तुर्क गुलाम था बलबन का। सर ये लेक्चर आपने रिकॉर्डिंग सर उस दिन अर्धमश वाली रिकॉर्डिंग शायद जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बाद में प्लीज कर ली गया, आवाज आपकी कट रही है। जी तुगलक के बारे में जो फरिश्ता है, तारीखे फरिश्ता का मुसन्नफ, वो कहता है कि जो तुगलक थे ये बलबन के गुलाम, ये भी तुर्क था, तुर्क गुलाम था और उसकी माँ हिंदू जाट कौम से तलक रखती थी। उसकी माँ हिंदुओं की थी जाट और उसका बाप जो था ये तुर्क था। जबकि ये वो मजीद कहता है कि जो लफ्ज तुगलक है, तुगलक फरिश्ता मजीद कहते हैं जो तुगलक लफ्ज है ये दरअसल कतलत की हिंदुस्तानी तुगलक दरअसल कतलग है, तुर्की में कतलग कहते हैं और ये हिंदुस्तानी तलफ़ुज़ है। जैसे एक नाम बिगड़ जाता है, कतलग की बजाय वो तुगलक बन गया हिंदुस्तानी लैंग्वेज में। तुर्की में ये असल में तुर्की का लफ्ज़ था कतलग, तुर्की लफ्ज़ जिसके मानी है सरदार, अमीर थी, बड़े थे। तुगलक दरअसल तुर्की लफ्ज कतलक का हिंदुस्तानी तलफ़ है जिसके मैंने है सरदार, अमीर, बड़ा, ये इसका तलफ़ था। और जो इब्ने बतूता है वो कहता है
आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि जो इब्ने बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में हिंदुस्तान आया था। ये मराकश से तलग रखता था, मोरक्को से, और ये हिंदुस्तान में आया था। ये भी एक सियाह था, ट्रैवलर। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में आया। इसने कहा था कि मैंने शेख रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह से सुना था कि जो तुगलक हैं ये तुर्क करोना कौम से तलक रखते हैं। तुर्क करोना कौम से, इब्ने बतूता कहते हैं जी। ये थी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री तुगलक के। तुगलक कौन थे, कहां से आए थे, ये भी तुर्की थे और तुर्कों का एक जो कबीला है करोना उससे वो बसता थे। यहां आकर इसने एक हिंदुस्तानी औरत जो जाट थी उससे शादी कर ली थी, उससे ही इसकी जो औलाद हुई थी। जो पहला बादशाह है, सुल्तान है, उसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक, इसी नस्ल से था। आज हम कोशिश करेंगे जो तुगलक डायनेस्टी है इसको सारा खत्म करें ताकि हमारा जल्दी से क्लोज हो जाए। 1320 से 1325 तक इसने हुकूमत की थी। 1320 से 1325, 5 साल गियासुद्दीन तुगलक ने जो हुकूमत की थी। इसके रेलेवेंट एक सवाल आया था हाल ही में जो पीपीएससी का लेक्चर हुआ था हिस्ट्री 2021 में, के वार्डन ऑफ मार्चेस, हु वाज द वार्डन ऑफ मार्चेस, के वार्डन ऑफ मार्चेस कौन था, या वार्डन ऑफ मार्चेस किसका टाइटल है, किसका खिताब है। मुझे एक याद आ गया, मैंने सोचा पहले ये करवा दूं, वार्डन ऑफ मार्चेस। Who was Warden of Marches? तो उसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। याद रखना है ये सवाल। अब Warden of Marches का क्या मतलब है मैं अभी बताता हूँ। इसका असल नाम था इख्तियारुद्दीन, मलक इख्तियारुद्दीन। इसका लकब क्या था, लकब इसके थे गाजी मलक, गाजी मलक और गियासुद्दीन, गाजी मलक गियासुद्दीन। इसका अहम नाम है गाजी मलक, गाजी मलक के नाम से ये जाना जाता था खिलजी दौरे हुकूमत में। और इसको गाजी मलक का खिताब किसने दिया, ये खुद कहता है कि इब्ने बतूता कहता है कि मैं एक मुल्तान की मस्जिद में गया तो वहां मैंने एक बड़ा सा कतबा देखा जिस पर लिखा हुआ था कि मैंने 38 मर्तबा 38 टाइम्स मंगोलों से वार की है, जंग लड़ी है और उनको मैंने शिकस्त दी है, इसलिए मेरा जो नाम है मैं हर जंग में कामयाब हुआ हूँ, गाजी हुआ हूँ, इसलिए गाजी मलक जो है इसने टाइटल इख्तियार किया था। 38 मर्तबा मंगोलों से इसने जंग लड़ी थी, 38 टाइम्स। इसने मंगोलों को, ततारियों को मार भकाया, उनको शिकस्त दी, इसीलिए इसको गाजी मलक कहा जाता है। ये इसका टाइटल था, खिताब था, याद रखें गाजी मलक इख्तियारुद्दीन इसका नाम था। और गियासुद्दीन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसने मिल्लत इस्लामिया को बचा लिया था, जो मुसलमान थे, मुसलमान हुकूमत थी, वो खुसरो मलक जो हिंदू औलाद था, हिंदू था, हिंदू माँ के वतन से था, इसलिए हिंदुओं का जो एक इक्तदार हासिल हुआ था खिलजी दौरे हुकूमत के लास्ट पीरियड में, तो उसने हिंदुओं से मुसलमानों को बचाया
और खुद हुकूमत की मुसलमान, इसलिए इसको गयासुद्दीन भी कहा जाता है। और इसने इसको वार्डन ऑफ मार्चिस इसलिए कहा जाता था कि इसने मंगोलों के खिलाफ सबसे ज्यादा जंगे मुहिमात में हिस्सा लिया था, मार्च किया था, उनके खिलाफ मुहिम लड़ी थी, इसलिए वार्डन ऑफ मार्चिस इसको कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। इसने किसको खत्म किया था दौरे हुकूमत, और इसने कब हासिल किया था तख्त नशीन खुसरो खान को कत्ल करने के बाद 1320 में। जी, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आपको पता चल गया है कि इसका नाम गाजी मलक इख्तियारुद्दीन था, असल नाम गयासुद्दीन इसने का लकब है और गाजी मलक भी इसका लकब है। और इसने 1320 में हुकूमत की, ये तब गवर्नर था दीपालपुर का, दीपालपुर का गवर्नर था जी जब ये बादशाह बना था। अब इसकी आते हैं जी इस्लाहात की तरफ। गयासुद्दीन ने क्या क्या इस्लाहात की, जब ये सबसे पहले इसने बादशाह के जो बादशाह का एक मुकाम है, एक वकार है, उसको बहाल किया था। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक हेडिंग देके मैं उसके थोड़ी सी ब्रीफली आपको बता दूंगा के सबसे पहले जो खुसरो मलक का दौर हुकूमत था उसमें जो बादशाह का वकार था बिल्कुल गिर चुका था, क्योंकि खुसरो मलक हिंदू था, शराब नोश था और अय्याश भी था, मौसीकी गायकी उसके दौर में उसके दरबार में राज थी, इसलिए जो एक बादशाह का रौब और दबदबा होता है वो बिल्कुल खत्म हो गया था उसके दौर हुकूमत में। इसने आते साथ ही सबसे पहले बादशाह के वकार को बहाल किया, अपने दरबार से जितने भी गाने बजाने वाले थे उनको निकाला, और एक राया और जो बादशाह के दरमियान फर्क था उसको मजीद उसने बेहतर किया, जो कानून पे इम्प्लीमेंटेशन है वो कायम की, और कातिलों डाकुओं को सरेआम फांसी दी गई, जिससे क्या हुआ कि एक रोग दबदबा बादशाह का कायम हो गया। दूसरा इसका आप ये था कि इसने जितने भी सूबेदार थे जो मुख्तलिफ सूबों के सूबेदार होते हैं उन पर इत्माद किया, उसने उनकी खबरगिरी की, उन पे अपना दस्ते शफकत रखा कि आप जो है आजाद हैं, हिंदुओं का जो जोर था वो उसने तोड़ दिया, और मुसलमान सूबेदार और गवर्नर जो अमीर थे उनको मुकर्रर किया, उसने कहा था आपको फ्री हैंड है, आप अपने इलाके में अमनोमान कायम करें, इंसाफ का बोलबाला करें और गरीब जो राया है उसके काम आए। ये इसने सूबेदारों को ये हुक्म दे दिया कि अब आप आजाद हैं, कोई भी मामला हो, कोई मसला हो तो बिना झिझक मेरे पास आप आ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। उसके बाद इसका टैक्सों नजायज जो टैक्स थे उनको खत्म किया। खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने टैक्सों की भरमार कर दी थी, इसने जो टैक्स था लगान का वो 1/10 की बजाय हाफ कर दिया था 50%। तो इस तरह के और भी बड़े सारे टैक्सेस थे जो के
अवाम पे लगाए गए थे, तो इसने जो जितने भी नजायज टैक्स थे उनको खत्म किया और लगान की जो शरह थी वो दोबारा 1/10% कर दी। इस्लामी हक जो है कवानीन में 1/10 है लगान की शरह, तो इसने दोबारा जो है पहले जो खिलजी दौर हुकूमत में हाफ होती थी 1/50, यानी कि अगर आपकी पैदावार 10 मन है तो 5 मन आप हुकूमत को देंगे। इसने कहा था नहीं, पैदावार का 1/10% आप जो है ये दें, और जितने भी नजायज टैक्स थे जो मुख्तलिफ अशिया पर लगे हुए थे वो इसने आके खत्म कर दिए। उसके बाद है जी ज़राई इस्लाहात इसकी। एक चीज याद रखें, अहम क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, गियासुद्दीन तुगलक के रिलेटेड, कि ये पहला आदमी था जिसने बरसगीर के अंदर नहरें खुदवाई थी, नहरें कनाल सिस्टम जिसने राज किया था। नहरी निजाम को इसने फाल किया था ज़राअत के लिए, बंजर जमीन थी, खुश्क रेतली जमीन, तो इसने क्या किया कि बहुत सारी नहरें खुदवाई, जिसमें ये दीपालपुर वाली नहर भी शामिल है, इसका नाम अब मुझे भूल गया है, इसको एक नाम था, तो इसने ये भी खुदवाई थी, और कुछ 4-5 नहरें थी जो मुख्तलिफ इंडिया पूरे बरसगीर के अंदर इसने खुदवाई। बंजर लो जमीनें थी जहाँ पे पानी नहीं पहुंच सकता था, तो इसने सबसे पहले जो है कैनाल सिस्टम, नहरी निजाम इसने राज किया था। और इसने ये भी कहा था कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, गरीब मजदूर किसान हैं, उनके पास गल्ला उगाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो हुकूमत से पैसे उधार ले सकता है, और जब उसकी फसल पक के तैयार हो जाए तो वह वापस रिटर्न कर सकता है जितने उसने पैसे लिए होंगे, और जो उसको बचेंगे वो उसका अपना मुनाफा होगा। इसलिए इसने ज़राई इस्लाहात की, जो बंजर और वीरान जगह थी, जमीनें थी, उनको सैराब किया और उन पे काश्तकारी की। उसके बाद इसका एक और जो सबसे अहम है, महकमा बरीद, बरीद या जसूसी एक ही मानों में आते हैं, बरीद और पोस्टल सिस्टम, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह खबर लेकर जाना, खबरें पहुंचाना। इस महकमे को उसने फाल किया और सबसे पहले पोस्टल सिस्टम बरसगीर के अंदर इसने राज किया था गियासुद्दीन तुगलक ने। एक जगह से खत लेकर हरकारा दूसरी जगह जाता, तो इसने चौकियां बनवा दी हर 5 मील के फासले पर, जहां ताजा दम घोड़े खड़े होते थे। जो ही वो पहुंचता उधर दूसरी चौकी पर, तो वो ताजा दम घोड़ा लेता और फिर अगले सफर पे चला जाता। इसी तरह फिर 5 किलोमीटर 5 मील के आगे फिर वो एक चौकी आती, फिर वहां से घोड़ा ताजा दम लेता। इस तरह जो पोस्टल सर्विस है वो बड़ी, जो उसने एक कह लें कि जो जिस तरह अब है कि आनन फानन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थी, सेम उस वक्त कंसेप्ट नहीं था खतों कताबत का, अहलो याल के बारे में, क्योंकि फौजें जगह लड़ती थी तो पता ही नहीं होता था कहाँ है कहाँ नहीं, महीनों बाद पता नहीं चलता था। तो उसने अपने घर वालों से रबते करने के लिए महकमा बरीद, पोस्टल सर्विस, जसूसी सिस्टम का बेहतरीन इंतजाम किया, ताकि एक दूसरे की खैर खैरियत मालूम होती रहे। इसके अलावा इसका एक और काम था कि चौधरियों और मुकदमों, सर जो आप साइड पर लिख रहे हैं ना, यहां से समझ नहीं लग रही, वो ना नजर नहीं आ रहा था, नजर आता है आपको, अभी वो कर देते हैं कैप्टन। थैंक यू सर जी। अब इसने छठा काम क्या किया, जो रिफॉर्म इसने लेके आया बरसगीर के अंदर, अपनी सल्तनत के अंदर, कि
के चौधरियों और मुकदमों के इख्तियारात की बहाली। जिस तरह एक गांव में चौधरी होता है, डेरेदार जिम्मेदार होता है, उसको एक और कहते हैं नंबरदार। अब इसने जो खिलजी ने बंद कर दिया था चौधरियों और मुकदमों के जो इख्तियारात थे उनको खत्म कर दिया था, वो कहता था कि मालिया जो मेरे पास डायरेक्ट पहुंचे वो इनडायरेक्ट ना पहुंचे। जिससे क्या हुआ कि जो चौधरी और मुकदम लोग थे ये बगावत पे उतर आते थे सल्तनत के खिलाफ, ये बादशाह के खिलाफ बगावत करते थे, उबारते थे लोगों को गलत बातों पर। तो इसलिए इसने सोचा कि ये काम गलत है, जो पैसा मालिया इकट्ठा हो वो निचली सतह से ही हमारे पास आए। इसलिए इसने दोबारा चौधरियों, नंबरदारों और मुकदमों के इख्तियारात बहाल कर दिए कि अब आप पहले की तरह जैसे बलबन दौर में होता था आप आजाद थे, इसी तरह दोबारा आप आजाद हो। तो आप मालिया इकट्ठा करो, मालिया की जो जितनी भी बनती है उसकी निशानदेही करो पैसे की। तो इसलिए इसने ये जब इख्तियारात दिए तो ये लोग खुश हो गए। गाँव के छोटे छोटे जो जिम्मेदार थे, बड़े बड़े छोटे बड़े, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, कुछ चौधरी थे कुछ मुकदम थे, इससे ये लोग बादशाह के उसने सलूक से मुतासर हुए और एक अच्छा जो सेटअप उसने कायम किया। उसके बाद है जी गैर मुस्लिम राया से सलूक। इसने जितने भी हिंदू थे जमी थे उनसे अच्छा सलूक किया और उसने कहा कि आप भी हमारे राया हो, सिर्फ मुसलमान ही नहीं हिंदुओं पर भी। इसने दस्तक शफकत रखा और उनके जायज मुतालबात को तस्लीम किया, उनको मजहबी आजादी दी कि वो मंदिर जा सकते हैं। इसी तरह जो पारसी थे बुद्ध मत थे उनको भी इसने उनकी हिफाजत का जिम्मा लिया और उनको आजादी दी अपने मजहब के अंदर। ये इसकी इस्लाहात थी। ग्यासुद्दीन तुगलक, इसका इससे रिलेटेड आपने 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन सबसे अहम था जो मैंने स्टार्ट में लिखा था कि हु वाज द वार्डन ऑफ मार्चेस, के वार्डन ऑफ मार्चेस कौन है, या हुज टाइटल इज द वार्डन ऑफ मार्चेस, कि वार्डन ऑफ मार्चेस किसका टाइटल है। तो गाजी मलक और गयासुद्दीन तुगलक एक ही नाम है, ये आपने याद रखना है। फिर पोस्टल सर्विस का इजरा किसने किया, गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर सबसे अहम कारनामा जो बरसगीर के अंदर नहरी निजाम किसने शुरू किया, गयासुद्दीन तुगलक ने। यहां तक गयासुद्दीन तुगलक हो गया। अब इसकी वफात पे आ जाते हैं, 2 मिनट का है, फिर इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट जो है बादशाह उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि इसने बंगाल की मुहिम पे ये खुद चला गया था। पहले इसने अपने बेटे जोना खान को भेजा था, जोना खान आगे पढ़ते हैं चल के, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने उसको बंगाल की मुहिम पर भेजा हुआ था, लेकिन वो उस पे काबू ना पा सका बगावत पे, तो ये खुद चला गया था गयासुद्दीन तुगलक और इसने बंगाल जाके बगावत पर काबू पाया और उसको अपने इलाहाक अपने साथ कर लिया दिल्ली सल्तनत के साथ। तो ये जब वहां से वापस आ रहा था तो इसके जो बेटा था जोना खान, उसने अपने बाप का शियाने शियान इस्तकबाल करने के लिए एक लकड़ी का महल तमीर करवाया था, लकड़ी का, और कहां करवाया था, दिल्ली से 5-6 मील बाहर तुगलकाबाद में, उसका नाम था अब जोना खान जो है इसका बेटा था गयासुद्दीन तुगलक का, इसने लकड़ी का महल तमीर करवाया तुगलकाबाद में जो दिल्ली के करीब था 5-6 किलोमीटर के फासले पर। इसने कहा था कि शाम हो गई है तो मेरा वालिद जो है आके जल्दी से जो तैयार हो सकता था तो उसने लकड़ी का ही एक महल तमीर करवा दिया। अब हुआ क्या कि रात के वक्त उसने जो हाथियों की लड़ाई है वो रख ली,
जी हाथियों की लड़ाई देखने के लिए तमाशा लगाया कि बादशाह सलामत का जो उसको एंटरटेन करने के लिए जी हाथियों की लड़ाई रखते हैं। तो जब हाथियों की लड़ाई रखी तो हाथियों के दौड़ने से लड़ने से जो लकड़ी का महल था वो नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा तो गयासुद्दीन जो तुगलक था ये इसके नीचे दब के मर गया, और इसके कई और साथी भी। तो जो जो उसका बेटा था जोना खान वो बच गया। अब कुछ लोग जो हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि जो जोना खान था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने जानबूझकर अपने बाप को मरवाया है, क्योंकि लकड़ी का जो महल था जाहिर उस पर जब हाथी भागेंगे, हाथी जाहिर टनों के हिसाब से वजन होता है, तो जब वो लड़ाई लड़ेंगे भागेंगे तो महल में गिरना ही था। तो ये इसकी साजिश थी कि अपने बाप को मरवाने के लिए खुद वो बाहर चला गया था नमाज पढ़ने के बहाने। तो इसी तरह 1325 में इसकी वफात हो गई। 1325 में लकड़ी के महल के नीचे दबकर ये गयासुद्दीन तुगलक हलाक हो गया था। यहां तक क्लियर है? आप देख लें, स्क्रीनशॉट लेना तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। सर साफ नजर ही नहीं आ रहा, स्क्रीनशॉट क्या लेना है? अच्छा, नजर नहीं आ रहा यहाँ तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। सर इट इज नॉट क्लियर। सर वो आपको नजर आ रहा होगा, सभी को नहीं नजर आ रहा। अच्छा, किसी और को भी ये प्रॉब्लम है या सिर्फ आप ही को नजर नहीं आ रहा? सर मच बेटर नाउ, मच बेटर। सर बेटर, सर सिग्नल की वजह से हो जाता है, इशू होता है ना सिग्नल का, इस वजह से वो सही नजर नहीं आता। जब सही होते हैं फिर आ जाता है। और सर आपकी रिकॉर्डिंग? जी ये रिकॉर्डिंग जरूर पहुंच जाएगी आप तक, बेफिक्र हो जाइए, सुबह इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। सर वो लो आपके लास्ट वाला लेक्चर था ना सर, वो जो लास्ट वाला लेक्चर था ना आज तमाश वाला में भी वो स्टूडेंट्स को मिल नहीं रहा। सर काइंडली अगर वो दोबारा से पहले लेक्चर आप दे लेते या उसकी रिकॉर्डिंग उस दिन शायद आपसे हुई नहीं थी रिकॉर्ड। जी जी जरूर। और सर मैं बार बार कट भी रहा था तो हमें वो लेक्चर भी आपको समझ में नहीं आया था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह दोबारा आपको तैयार उसको दे दूंगा। असल में दो दिन मसरूफियत बनी रही है, छुट्टी होती है त्योहार की, संडे वाले दिन तो मसरूफियत शादी पे जाना होता है, इस वजह से टाइम ना मिला। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं लाजमी एक करता हूँ, एक दो दिन के अंदर वो मैं आपको, वो बेफिक्र हो जाए, वो मेरी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। So now is screen much better. चले ठीक हो गया। Okay, leave side. चले जी मैं इसको रेज करता हूँ, बाकी आप इसको देख भी लेंगे बाद में भी। अब हमारा अगला जो बादशाह है, सुल्तान है, उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका टेन्योर है पीरियड 1325 से लेकर 1351 तक। ये जितने भी सुल्तान हैं जो डायनेस्टीज हैं पांच, उनके अंदर सबसे कंट्रोवर्शियल ये शख्सियत है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो असल नाम था जोना खान, असल नाम था जोना खान। बाद में इसने मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप को लकब दे दिया। अब मैंने जैसे कि आपको बताया है कि इसने लकड़ी का महल तमीर करवाया था अपने बाप गयासुद्दीन तुगलक के लिए, कि उस तरह का इस्तकबाल करने के लिए कि वो हाँ आके ठहरे रात और सुबह वो दिल्ली की तरफ जाए। लेकिन क्या हुआ कि रात ही वो महल गिर गया। तो जब वो हलाक हो गया तो बाद में
ये बादशाह बन गया सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, असल नाम इसका जोना खान था, और ये तारीख में सबसे, इसको पागल बादशाह भी कहते हैं, अहमक बादशाह। अगर आपसे कोई पूछे अहमक बादशाह कौन है जो पागल बादशाह, तो वो ये है। क्योंकि इसकी पॉलिसीज ही ऐसी थी कि इसको अहमक बादशाह का लकब दिया जाता है। ये अपने से उस वक्त के दौर में 100 साल आगे था। इसकी जो सोच थी वो जो है ना आम लोगों से मिलती नहीं थी, 100 साल आगे ही थी। और इसका जो टाइम गलत जा रहा था बेचारे का, तो ये जो कोई भी पॉलिसी इख्तियार करता वो उल्ट हो जाती, वो बायसे नदामत बनती इसके लिए। इसलिए इसको अहमक बादशाह भी कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको क्या कह सकते हैं जी? सिली, बेवकूफ, और क्या नाम दे सकते हैं? अच्छा जी, अब आते हैं जी इसकी इस्लाहात की तरफ। इसके रेलेवेंट भी एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में कि वो कौन सा बादशाह है जिसकी पॉलिसीज बड़ी अजीबोगरीब थी, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जोना खान। इसकी जो इस्लाहात थी, सबसे पहली इस्लाहात ये है कि इसने मालिया के अंदर सबसे चेंज ये लाया था कि एक दीवान इसने नया कायम कर दिया था जिसका नाम था दीवाने अमीरे कोही, दीवान अमीरे कोही। अच्छा जी, अब इसने मालिया इकट्ठा करने के लिए एक नई वजारत कायम की दीवाने अमीरे को ही, जिसमें से डेली 100-100 फरमान, शाही फरमान जारी होते थे एट अ टाइम। 100-100, 100 से भी ज्यादा बार शाही फरमान जारी होते थे। इसने वजारत भी इलाज कर दी थी। इसने क्या किया कि सारी जमीनों का दोबारा सर्वे करवाया। सर्वे करवाने के बाद उनके नक्शे बनवाए। नक्शे बनवाने के बाद उसने दोबारा से मालिया नाफज किया, उसकी जो शरह थी कहीं पे बढ़ाया और कहीं पे कम किया। तो इससे क्या हुआ कि इसका जो शाही खजाना था बहुत ज्यादा भर गया। और एक चीज ये भी याद रखें कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसकी सल्तनत बहुत वसी और रीज थी, बहुत ही वसी और रीज, कि जिस तरह औरंगजेब आलमगीर की सल्तनत थी, सेम दक्कन, बांग्लादेश यानी कि बंगाल, राजपुताना, लाहौर, पंजाब, सिंध, सरहद केपी के और अफगानिस्तान के इलाका जो था वो भी इसमें शामिल था। इतनी बड़ी सल्तनत थी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये इंडिया है, ये जी इंडिया है ये वाला, और यहां तक इसकी पूरी हुकूमत थी जी। ये सारा इलाका, ये पूरा इंडिया इसके जेरे नगीन था, थोड़ी सी ये जगह छोड़ के। ये दक्कन तक, यहाँ से बंगाल तक, यहाँ बंगाल है, ये दक्कन है, और यहाँ पे पंजाब सिंध है इकट्ठा, और यहाँ पे कश्मीर, और ये सरहद अफगानिस्तान का इलाका भी इसमें आ जाता है। यहां तक इसकी हुकूमत थी, बहुत बड़ी सल्तनत थी। इसके बाद इसके कुछ काम है, और कि इसने सबसे पहला काम क्या किया कि इसने दारुल हुकूमत ही चेंज कर दिया। ये वो बादशाह था जब इसने ये जो दक्कन का एरिया है ये वाला, यहां इसने क्या किया, देवगिरी,
जिसका नाम इसने दौलताबाद रखा, देवगिरी। क्या नाम था उसका जी? इसने दिल्ली का कैपिटल चेंज करके देवगिरी, यहां पे है जी दिल्ली, तकरीबन यहां पे ये है दिल्ली और ये है देवगिरी दक्कन के अंदर। इसने कहा कि सारे जो लोग हैं दिल्ली छोड़ दें, दिल्ली छोड़ के देवगिरी आ जाए। इसका एक देन ये था कि ये जो इलाका है यहाँ हिंदू ज्यादा है, दक्कन में मुसलमानों की आबादी बहुत कम थी, इसीलिए हिंदू अक्सरियत में थे। इसने सोचा कि यहाँ मैं हुकूमत करता हूँ क्योंकि यहाँ ही बगावत फूटती है, तो इसने सोचा कि जब ये दारुल हुकूमत होगा तो कोई बगावत नहीं कर सकेगा, मैं खुद यहाँ मौजूद होऊंगा। इसलिए जितने भी मुसलमान थे दिल्ली से पकड़ पकड़ के इसने कहा यहाँ बसाने शुरू कर दिए, देवगिरी दौलताबाद जिसका नाम था दौलताबाद, उसने नाम भी चेंज कर दिया देवगिरी का दौलताबाद कर दिया। तो अब इसने कहा था दिल्ली के अंदर कोई भी मुझे नजर ना आए बंदा, जितने भी आलम स्कॉलर टीचर जो कुछ और शोबे से मुंसलिक थे, ज़रात के हिंदू बनिए कोई भी था, उसने कहा था सारे जी उधर चले जाएं देवगिरी। अब तकरीबन सैकड़ों मील का जो था फासला दिल्ली और दौलताबाद का, तो लोगों के पास राय आमदोरफ्त उस वक्त वैसे ही इतने नायाब थे, तो मोस्टली जो लोग थे वो रास्ते ही मार खप गए। और फिर इसने ये भी कहा था कि मुझे कोई बंदा नजर ना आए, जब एक दिन ये निकला दिल्ली के अंदर तो इसको सिर्फ दो बंदे नजर आए, एक लंगड़ा और एक अंधा। इसने उनको भी पकड़ लिया, इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो लंगड़ा है उसको मंजनीक से ऊपर फेंक दिया जाए, तो इसने मंजनीक में अंधे को ऊपर ही पहुंचा दिया, बेचारे का पता नहीं क्या बना। और जो लंगड़ा था अंधा था उसको उसने हाथी की दुम के साथ बांध दिया कि इसको दौलताबाद ले जाओ, और रास्ते में सिर्फ उसकी एक टांग ही बची थी, जाहिर क्या बनना था उस वक्त। ये इतना यानी इस मामले में जालिम था कि इसने एक बंदा भी, इवन के वो कहते हैं कि मुसन्नफ जो तारीखदान थे फरिश्ता के कुत्ते और बिल्लिये भी दिल्ली में नजर नहीं आते थे, दिल्ली का ये हाल हो गया था कि बंदा तो कुजा कुत्ता और बिल्ली भी नजर नहीं आते थे। सारे लोगों को हां कर ये दौलताबाद ले गया। जब वहां गया तो ठीक ही दो तीन साल के बाद फिर सबको हुक्म दिया कि वापस चलो दिल्ली, तो जाहिर है जो लोग आए थे आधे तो वैसे मार खप गए, तो आधे जो बचे थे वो फिर दिल्ली आ गए। इसलिए इसको अहमक बादशाह कहते हैं, पागल बादशाह, ये इसकी सबसे पहली पागलपन था ये। उसके बाद ये दूसरा नंबर है इसका टोकन करेंसी। अब इसने एक और काम किया, इसने कहा जी चांदी जो है, चांदी के बजाय तांबे के जो सिक्के हैं ना पीतल के, ये राइज किए जाए, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी चांदी के सिक्के के बराबर। और इसने रुपए वाले कागजी नोट भी जारी कर दिए, कागजी नोट टोकन करेंसी। अब जो जाहिर है चांदी उसकी एक अपनी अमीर थी, तांबे की जो अब लोगों ने क्या किया, जाल साजी शुरू कर दी, जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। टैक्साल में हिंदुओं ने तांबे के धड़ाधड़ सिक्के बनाने शुरू कर दिए, जिससे क्या हुआ कि उनको लोगों ने जाल साजी से सिक्के बना लिए, और जो टोकन करेंसी थी वो लोगों ने एक्सेप्ट ना की, जिससे मामला खराब हो गए मईशत के। और इसने फिर एक ऐलान किया कुछ सालों के बाद कि जितनी भी आपके पास तांबे के सिक्के हैं वो आप वापस कर दें और चांदी के सिक्के ले लें। इस तरह वो कहते हैं कि फरिश्ता के ढेर ला गए, और वो ढेर इतने बड़े थे कि दूर से ही 5 मील नजर आने शुरू हो जाते थे सिक्कों के। और इसने फिर वही चांदी दे दी और तांबा ले लिया। अब क्या हो गया, शाही खजाना फिर काम हो गया, फौजों को तनखा देने के लिए पैसे न बचे, तो इसलिए ये भी इसकी एक अहम पॉलिसी थी टोकन करेंसी वाली।
उसके बाद है जी तीसरे नंबर पे कि खरासान की मुहिम। अब जो खरासान है इसको ख्याल सूझा कि मेरी इतनी बड़ी सल्तनत है तो मेरे पास फौज भी बड़ी है, खजाना भी मेरा भरा हुआ था, तो अब इसने सोचा कि भरा हुआ है तो मैं क्यों ना खरासान जो है गजनी से आगे अफगानिस्तान से अगला जो इलाका है खरासान उस पर मैं कब्जा करूँ, क्योंकि उधर खरासान के जो हालात थे वो अच्छे नहीं चल रहे थे। तो इसने 3 लाख फौज जो है ना वहां भेज दी, 3 लाख फौज और 6 माह की तनख्वाह इनको यकमुश्त दे दी। अब 3 लाख फौज को 6 माह की तनख्वाह इकट्ठे दें तो कितना खजाना जो है हिसाब लगा ले कितने पैसे बनेंगे। तो अब इसने वहां भेज दिया, रास्ता जो पहाड़ी था और बर्फबारी बहुत ज्यादा थी। क्या हुआ कि खरासान जाते जाते रास्ते में ही इसकी 1/4 फौज है वो तो वैसे मर गई। जब वो मर गई तो जो फौज उधर पहुंची वहां जाके खरासान पे उसने हमला किया तो कितनी देर जो है ना वो फतेह ना कामयाब ही ना हो सका, कहर की सूरत होगी, भूख से निडाल हो गई। तो फिर इसने हुक्म दिया कि जी वापस आ गई और फिर इसकी जो आधी फौज वापस आई थी ये भी इसकी जो कहते हैं कि अहमद पान था कि कहाँ अपने हालात सही नहीं होते और वहाँ इतनी दूर जो सैकड़ों मील हजारों मील दूर ये पहुंच गया खरासान। तो इसलिए इसको अहमद बादशाह भी की कहने की तीसरी वजह ये थी कि जो खरासान थी कि अपने मामला सुधारने के बजाय ये आगे की तरफ चल पड़ा था। तो इसलिए जिसमें ये नाकाम हुआ था खरासान की मुहिम में तो इसको अहमद पान कहते हैं इसका। उसके बाद है जी इसका दो आब में टैक्स। इसने एक और किया था कराचल की मुहिम भी, वो मेरे दिन में आ गया कराचल की मुहिम, लेकिन वो कहते हैं चाइना की मुहिम। कराचल चाइना के साथ ही लगता है बॉर्डर की, इंडिया के साथ। तो जो उस वक्त के मुसन्नफ थे उन्होंने इसको चाइना की जो मुहिम लिखा हुआ है, असल में वो कराचल चाइना की सरहद के साथ ही है। तो वहां भी इसने फौज भेज दी थी, वहां सरहद ठंडा इलाका था, बर्फबारी थी, फौज उधर भी इसके साथ बुरा हुआ तो वापस आ गई। तो जो इसके जेन में ख्यालात थे वो पूरे ना हो सके, इसलिए इसके वो कहते हैं जी कि ये अपने ख्यालात में बहुत आगे था, इसकी सोच कुछ होती थी, अवाम कुछ चाहती थी, तो इसके जितने भी ख्यालात थे वो कोई भी फुलफिल ना हो सके, पूरे ना हो सके। अब आते हैं इसमें इसका एक और है जी, तो आप पर टैक्स, दो आप पर टैक्स। दो आप एक इलाका है दरिया जमुना और गंगा के दरमियान का, ये दरई इलाका था। इसने क्या किया, यहाँ हिंदू ज्यादा थे तो उसने टैक्सेस की भरमार कर दी, ज्यादा लगा दिए जिम्मेदारों पर। अब टैक्स जो फसलें थी बदकिस्मती से उस वक्त अच्छी ना हो सकी, जिससे क्या हुआ कि जो जिम्मेदार थे काश्तकार थे वो बादशाह के डर से कि मालिया कहाँ से देंगे, टैक्स कहाँ से देंगे, वो छोड़ छाड़ के अपने घरों को भाग गए जंगलों के। अब जंगलों में जब भाग गए तो जाहिर टैक्सेस क्या होना थे और फसलें क्या होनी थी, तो उन लोगों ने बगावत कर दी इसके खिलाफ। जब बगावत कर दी तो ये फिर उस बगावत को कुचलने के लिए गया, तो फिर उसको समझाया लोगों ने कि उनके हालात तो पहले ही नहीं सही, काफी देर तक लड़ाइयां होती रही लेकिन कुछ हासिल ना हो सका। तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे टैक्सेस को खत्म करें, हमारे पास तो खाने के लिए नहीं है, आप हम पे टैक्स लगाते हैं। इसलिए दोआब के जितने भी हिंदू थे उन्होंने टैक्सेस को खत्म करने के लिए भरपूर मुहिम चलाई और बिल आकर इसको मानना पड़ा। ये इसके लिए अहम काम थे। इसके अलावा है नेक्स्ट चैप्टर है, सॉरी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फिरोज शाह तुगलक। तुगलक डायनेस्टी में सिर्फ 3 ही अहम जो है बादशाह गुजरे हैं, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाता है। अब हम अगला कर रहे हैं, टाइम कितना लगे सर जी?
अभी हमारा एक और टॉपिक रह गया है फिरोज शाह तुगलक, वो हम कर लेते हैं। सर ये मोहम्मद बिन तगलक की हुकूमत कैसे खत्म हुई? ये मर गया था तबई मौत। उसके बाद आ गया जी फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसकी वफात के बाद फिरोज शाह तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा था जी। ये उसका भतीजा था फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये अपने भतीजों को मोस्टली अपने पास ही रखता था, इससे काफी प्यार करता था और इसने इसकी परवरिश भी की। जब मोहम्मद बिन तुगलक फोत हुआ बीमारी की हालत में तो इसने उसकी बड़ी तमारदारी की, बड़ी देखभाल की, और जब वो फोत हो गया तो उमरा जो थे उन्होंने फिरोज शाह तुगलक को कहा कि आप जो है सल्तनत संभाल लें, गद्दी संभाल लें, लेकिन इसने इनकार किया। लेकिन कुछ मशाइख और उलमा हजरात थे जिनके कहने पर इसने ये तख्त संभाल लिया 1351 में। अब इसकी इस्लाहात हैं, उसकी तरफ हम आते हैं जी। सबसे पहले क्या किया कि इसने टैक्सों में कमी कर दी। सर इसके बेटे नहीं क्या, क्योंकि दौर में तो यही था ना कि वो ट्रांसफर होती थी गवर्नमेंट दीदी। अब बेटा उसका था ही नहीं तो जाहिर भतीजे की तरफ ही जाना था। मोहम्मद बिन तो हाँ जी। अब इसने मालिया की शरह जो 1/2 से घटा कर 1/5 कर दी। फिरोज शाह तुगलक बेसिकली एक मुतकी परहेजगार दरवेश सिर्फ इंसान था। ये चाहता था कि राया पे इतने टैक्सेस ना लगाए जाएं जो वो दे ना सके, तो इसलिए इसने क्या किया, सबसे पहले मालिया की जो शरह है उसको 1/2 हाफ की बजाय 1/5 कर दिया। इसके बाद इसने जागीरदारी निजाम का खात्मा कर दिया। नंबर दो में जो बड़े बड़े उमरा थे, जिमीदार थे बहुत ज्यादा, उनसे उसने जागीरें वापस ले ली, और जो इस तरह उलमा और मशाइख थे उनसे भी, सूफिया कराम उनसे भी इसने जमीनें जो औकाफ वक्फ कर दी जाती थी वो भी वापस ले ली। इसने कहा था जागीरदारी निजाम जो है ये बगावत पे उकसाता है, इसलिए इसने जागीरदारों को तोड़ने के लिए उनकी कुव्वत को जागीरदारी निजाम का ही खात्मा कर दिया। उसके बाद है जी अदलो इंसाफ का बोलबाला किया इसने। ये बादशाह जो था सुल्तान, क्योंकि नेक रास्तबाज परहेजगार था, इसने सिर्फ शरई जो सजाएं थी उनको राइज किया, शरई सजाओं को। इसने कहा था उससे पहले जो सजाएं दी जाती थी वो बड़ी इबरतनाक होती थी, जिंदा आदमी की खाल उतार ली जाती थी, उसको जिंदा को काट दिया जाता था, हाथी के पांव तले रोन दिया जाता था, उनके हाथ पांव को काट दिया जाता था, दोनों टांगे दोनों बाजू काट दिए जाते थे। इसने कहा था कि सिर्फ शरई सजाएं हों, जो इबरतनाक सजाएं हैं वो खत्म कर दें। इसने
और इसने क्या किया, जो गिल्टी होते थे उनको सजाएं दी, जो छोटे मोटे चोर थे उसको इसने छोड़ दिया, उनका हाथ नहीं काटता था। इसने कहा था कि इनके लिए जो शरी सजाएं हैं वो डाकू चोर जो बड़े डाकू हैं उनके लिए हो, छोटे मोटे चोरी के लिए वो हाथ नहीं काटता था। इसके अलावा रिफाए आमा के काम इसने किए, जितने भी गरीब अपाहज यतीम बेवाएं थीं उनके वजीफे मुकर्रर किए, और जितने भी जो ये भीख मांगने वाले थे उनको सरकारी खजाने से वजायफ दिए जाने लगे, यतीमों की परवरिश की जाने लगी। इसके अलावा मदरसे उसने कायम किए, लंगर खाने कायम किए, जहां कहत पड़ता था वहां उसने लंगर खाने कायम कर दिए। इसलिए रफाए आमा के कामों भी इसको बड़ा अहम समझा जाता है कि ये सबसे ज्यादा काम फिरोज शाह तुगलक ने किए हैं। इसके बाद इसने क्या किया था, इसका जो अहम सवाल है जो पीपीएससी पेपर में आ भी सकता है कि अशोका की लाठी, अशोका इंस्क्रिप्शन कौन लेकर आया था बरेसगीर के अंदर, ये सवाल, इस सवाल को जेहन में रखें। अशोका की लाठें, लाठ कहते हैं इंग्लिश में उसको, अशोका इंस्क्रिप्शन कहते हैं। अशोका इंस्क्रिप्शन बरेसगीर में कौन लेकर आया था, तो फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। कहां से लेकर आया था, नेपाल से। अशोका ने जगह जगह अपने दौरे हुकूमत में कुछ कतवे लगा रखे थे जिस पर उसके कवानीन दर्ज होते थे, और वो बुद्ध मत का पैरोकार था, और जो बुद्ध मत की तालीमात थी वो उस पर लिखी हुई थी उन कतबों पर, तो वो उसने जगह जगह लगाए हुए थे। तो फिरोज शाह तुगलक जब नेपाल मुहिम पर गया तो उसने वहां से वो उखाड़ ली, इतने बड़े बड़े कतबे थे, तो वो उसने बरसगीर के अंदर दिल्ली के अंदर लगाए थे। उसके बाद इसने एक और काम किया था, जजिया नाफिज कर दिया था दी। मोहम्मद बिन कासम के बाद जजिया लेने वाला हिंदुस्तान में फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने पहले जो जजिया सिर्फ हिंदू राया से लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों और औरतों से भी जजिया वसूल किया। इसने कहा था कि आप हमारी खबरगीरी के अंदर हैं, हम आपकी हिफाजत करते हैं, दुश्मनों से बचाते हैं, इसलिए आप हमें जजिया दें। तो इसने जजिया शुरू कर दिया था। उसके बाद इसने एक और काम किया था, नहरों पर टैक्स लगा दिया था। इसने कहा था कि जो पानी आप नहरों से लेते हैं अपने खेत सराब करने के लिए, फसलों के लिए, अब आप उस पर टैक्स देंगे। अवाम को कहा, उस टैक्स का नाम रखा हक्के शरब, हक्के हक्के शरब नामी जो टैक्स था ये इसने अवाम पे लगा दिया कि जो नहरी जो पानी है इस्तेमाल करते हैं अपनी जमीनों के लिए, अपनी फसलों के लिए, अब वो टैक्स देंगे, जिसका नाम था हक्के शरब। अब इसकी ताबीरात हैं, इसने अहम अहम जो थे 3-4 शहर बनाए। सबसे पहले इसने फिरोजाबाद, इसका क्या नाम है जी, फिरोजाबाद। दूसरा इसने शहर तमीर करवाया जौनपुर, जौनपुर अपने चचा जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर इसने एक शहर बसाया जिसका नाम था जौनपुर। तीसरा इसने शहर बसाया
फिरोजपुर, ये जो कसूर के साथ बॉर्डर लगता है ये फिरोजपुर है, फिरोजपुर, फिरोजपुर जो शहर है वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, और जो आखिरी शहर इसने बसाया था उसका नाम है हसार, चौथा जी। ये बहुत बड़ा जिला था पार्टीशन से पहले, जिला हसार, ये भी इसने बसाया था, ये भी इसी का तमीर करता है। नहीं, ये आज का हमारा टॉपिक था। आज जो तुगलक डायनेस्टी भी खत्म हो गई, कल इंशाल्लाह हम सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी पढ़ेंगे। सैयद डायनेस्टी में से क्वेश्चन नहीं आता, बहुत रेयर चांस है कि उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो कल इंशाल्लाह हम दोनों कोशिश करेंगे कि इसको दोनों को खत्म कर दें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना इसको हम खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। सर वो जो आपके लिए नंबर